जी हाँ, घटना उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की है, जहां पर दहेज के लिए एक युवती के ससुराल वालों ने उसकी हत्या कर दी। दरअसल मामला क्या था, आइए हम आपको दिखाते हैं। यह लाश देखिए, यह लाश बहराइच के हरिहरपुर की रहने वाली रिंका देवी की है। रिंका देवी की हत्या का आरोप उसके पति मुकेश पर लगा है। रिंका के परिजनों की माने तो दहेज की खातिर उनकी बेटी की हत्या की गई है। दरअसल रिंका देवी की शादी कई साल पहले मुकेश कुमार के साथ हुई थी। रिंका देवी के परिजनों के मुताबिक शादी के वक्त उन्होंने अपनी हैसियत के अनुसार काफी दहेज दिया था, लेकिन इसके बाद भी रिंका का पति मुकेश मोटरसाइकिल के लिए उसे अक्सर प्रताड़ित करता रहता था। यहां तक कि कई बार उसके साथ मारपीट भी की गई, लेकिन गरीबी के चलते वो अपने दामाद की मांग पूरी नहीं कर सके। इसी बीच उन्हें एक दिन अपनी बेटी की मौत की खबर मिली। दामाद मार डालिस और बिटिया हमार गऊ रहा है, न जहर खाए देरात रहा है, फांसी लगावे देरात रहा है, सरिया दाब दी नट्टी पर। यहाँ आप चाहे देखे हो, सरिया दाबा बना है, कनपटा सब पूजा पड़ा है, काला काला कान और सरिया दाब के जूनी काटा है, दाब दाब के जूनी काट। कहे के लिए मार दिया? कुछ गलती बिटिया के भैया ससुराल के कोई काम, ये गलती ई के लिए दहेज नहीं दे पावा, इसकी कर मांगत रहे नहीं दे पावा। उधर रिंका देवी के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने उनके पति के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। लेकिन वही ये घटना बता रही है कि आज भी हमारे समाज में ऐसे दहेज के लालचियों की कमी नहीं है, जो दहेज की खातिर अपने घर की लक्ष्मी को मौत देने से भी नहीं हिचकिचाते। सुदर्शन न्यूज से सिकंदर की रिपोर्ट।